हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस। अब मैं जो आज प्रोसेस प्लानिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो नया वीडियो लेकर आया हूँ वो है जो एस्टिमेशन मशीन शॉप का टॉपिक चला था उसी का है। नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट ऑपरेशन है जो लेथ मशीन पर करते हैं या फिर वो है थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग के बारे में पहले थ्योरी समझेंगे। इसका जो मेरा पर्पज आज वीडियो है सिर्फ न्यूमेरिकल बेस वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिससे सिर्फ ओनली फॉर्मूले समझाता हूँ और उसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। तो थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान ना दें, न्यूमेरिकल और फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान दें। तो थ्रेडिंग तो कम से कम समझ लेते हैं क्या होती है। थ्रेडिंग क्या होती है? जब किसी जॉब के एक्सटर्नल या इंटरनल, मतलब बाहर या आंतरिक, जो सिलेंडिकल सरफेस होती है उस पर कटिंग द्वारा हेलिकल शेप बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेडिंग कहते हैं। अब क्या इन थ्रेडों की सहायता से किसी दो भागों को जोड़ा सकता है, जैसे नट और बोल्ट कहते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? जोड़ सकते हैं इससे, है ना। तो अब इसकी जो ये तो थ्रेडिंग हो गई, अब इसके लिए इसमें क्या रहता है, जो थ्रेडिंग कट कर रहा है अपन उसमें कितना टाइम लग रहा है उसको अपन इसमें निकालते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर टी लिखा है, ये क्या टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन, टी क्या है टाइम है। और इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कट्स इन टू लेंथ ऑफ थ्रेड, जितनी थ्रेड में अपन जितनी लेंथ में थ्रेड कर रहे हैं, अपॉन पिच ऑफ थ्रेड या लीड बोलते हैं, पिच ऑफ थ्रेड या लीड इन टू एन आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको अपन जो नंबर ऑफ कट्स को मतलब स्मॉल एन से दर्शाते हैं, एल मतलब लेंथ हो गई, पी पिच हो गई, एन क्या होगा नंबर ऑफ कट्स। अब यहाँ पिच हो गई लीड, अब लीड निकालने की फॉर्मूला होता है उसको मैं आगे बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ लीड, अगर यहाँ पर लीड आती है क्वेश्चन में गिवन, तो उसके लीड के थ्रू हम पिच ऑफ थ्रेड कैसे निकालेंगे? तो लीड इज इक्वल टू होता है सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड इन टू पी, क्या होता है सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड इन टू पी। अब P निकालना है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीड अपॉन सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड, ये नीचे आ जाएगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीड अपॉन सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड। अगर सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड दी है क्वेश्चन में और लीड दी है तो P अपन निकाल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। अब L क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो टूल अप्रोच है और टूल ओवर ट्रेवल है उसको अपन पहले से एक स्टैंडर्ड साइज मान के चलते हैं या कंसिडर कर सकते हैं 7 से 10 तक। तो जो क्या होता है पिच ऑफ थ्रेड, जो पिच ऑफ थ्रेड है उसको जो L क्या होता है, L को अपन L प्लस 7, अगर L और L अपन mm में ले रहे हैं, L के याद रखें L अपन mm में ले रहा है तो 7 का प्लस करेंगे और mm में रखेंगे। अगर सेंटीमीटर में ले रहा है तो यहाँ L की यहाँ 7 की जगह कितना हो जाएगा 0.7, तो याद रखें इसलिए अपन L को हमेशा mm में लेके चलें। कोई भी डायमेंशन में दिए है किसी भी यूनिट में अपन को mm में चेंज करना, तो L प्लस 7 लेके चलें हमेशा। L जो ऊपर रखेंगे वो L प्लस 7 रखेंगे, L जो लेंथ दी रहेगी 7 क्या होगा टूल अप्रोच और टूल ओवर ट्रेवल, उसमें लिखा रहेगा एज्यूम टूल अप्रोच और टूल ओवर ट्रेवल। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले एल प्लस 7 रख दें, एल की जगह जो भी लेंथ दी गई। पिच ऑफ थ्रेड का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड पर mm, क्या होता है नंबर ऑफ थ्रेड पर mm। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ थ्रेड दिया है, नंबर ऑफ थ्रेड पर mm दिया है जितनी वैल्यू, तो 1 में डिवाइड कर देंगे उतनी वैल्यू का, और अगर डायरेक्ट पिच दिया है तो पिच रख देंगे, ये mm में होगा। अब क्या होता है मल्टी थ्रेड्स के लिए क्या होता है, लीड दी रहती है सिंगल थ्रेड स्टार्टिंग पी अपॉन पी से, इससे अपन पिच निकाल लेंगे। अब जो कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो मतलब जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल के पर्पज से, लेकिन हम जानना जरूरी है नंबर ऑफ कट्स के लिए। अगर एक्सटर्नल थ्रेड्स के लिए निकालना तो नंबर ऑफ कट्स इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है 25 इंटू पिच, जो पिच दी रहती है 25 में इंटू कर देंगे तो एक्सटर्नल नंबर ऑफ थ्रेड्स निकल आएंगे। इस तरह इंटरनल थ्रेड्स के लिए नंबर ऑफ कट्स निकालना तो क्या निकालेंगे 32 में इंटू पी का अपन मल्टीप्लाई कर दे, पी मतलब पिच का। तो अपन को ये दो फॉर्मूले न्यूमेरिकल में तो यूज नहीं होंगे, लेकिन ये जो ऊपर के फॉर्मूले हैं इनको आप नोट करके पहले से रख लें, एक पी वाला, एक टी वाला और एक एल वाला। एल प्लस 7 होगा, एल लेंथ रहेगी, पिच ऑफ थ्रेड का फॉर्मूला हमेशा नोट कर लें और लीड का फॉर्मूला ए नीचे वाला नोट कर लें, पिच इक्वल टू लीड अपॉन सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड, और ये वाला पिच ऑफ थ्रेड या लीड। अब इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है क्या, न्यूमेरिकल बहुत ही है सिर्फ समझना है, और फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल। जैसे लिखा एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल थ्रेडिंग ऑन अ माइल्ड स्टील नट्स ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब क्या हमें एक टाइम निकालना है किसके लिए, इंटरनल थ्रेडिंग कट करने के लिए एक माइल्ड स्टील के पीस पर जिसकी डायमीटर कितना 3 सेंटीमीटर दिया और लेंथ कितनी दी 6 सेंटीमीटर। पिच ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ थ्रेड इज 3 mm, मतलब थ्रेड की पिच कितनी दी है 3 mm। एज्यूमिंग कटिंग स्पीड 14 मीटर पर मिनट दिया, मतलब समझ जाएंगे एस दिया है, अगर आरपीएम दिया होगा तो समझते एन दिया है। तो कटिंग स्पीड यूनिट के ऊपर अपन यहाँ पहचान लेंगे, जो मीटर पर मिनट दिया मतलब एस दिया है, स्पीड दी है तो ए हो गया, और नंबर ऑफ कट दिए 5।
हम पहले गवन लिखते हैं जो हमेशा लिखते हैं, वैसे डायमीटर ऑफ डी 3 सेंटीमीटर दिया, हमने कहा था एमएम में चेंज करना, तो तुरंत 10 से मल्टीप्लाई करके एमएम में चेंज कर लिया, 30 एमएम हो गया। इस तरह लेंथ दिए 6 सेंटीमीटर, इसको भी एमएम में चेंज कर लिया 10 से मल्टीप्लाई करके। कटिंग स्पीड एस इक्वल टू दिया 15 मीटर पर मिनट। टाइम हमें निकालना है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एल प्लस 7 अपॉन n इंटू p। एल 7 क्या है, अपनी जो ओवर ट्रेवल और टूल अप्रोच है, जो कि किसी पीस को थ्रेड काटने से पहले चली गई दूरी और थ्रेड कट करने के बाद टूल द्वारा चली गई दूरी, ये होता है 7 कंसीडर करके चलते हैं। पी क्या है, पिच है। एन क्या, आरपीएम में रेवोल्यूशन पर मिनट दिया है। अब हमें क्या है, देखो पी यहाँ पर गिवन है, हम देख लें पिच ऑफ थ्रेड कितनी दी है, 3 mm। यहाँ देखे पिच ऑफ थ्रेड 3 mm दी है, ये क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, तो पी तो हमें मिल गया। एल दी है यहाँ पर, देखो ये लेंथ दी है, ये 6 सेंटीमीटर लेंथ दी है, तो ये लेंथ भी मिल गई मुझे। एन नहीं दिया है, अब एन एन क्या दिया है, एन क्या नंबर ऑफ कट्स, तो नंबर ऑफ कट्स यहाँ 5 दिए, नंबर ऑफ कट्स दिख रहे हैं 5 दिया है, तो एन भी मिल गया। अब हमारे पास एन नहीं है, तो एन के लिए हमें फॉर्मूला जानते हैं, एस इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000 होता है। जब एन निकालेंगे तो ये 1000 का इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई डी नीचे आ जाएगा। एस की वैल्यू यहाँ पर 14 दी है, 14 पुट कर दी 1000 की, पाई डी की वैल्यू 30 दी है, यहाँ पर देख लें ये 30 सेंटीमीटर दिया, उसको मीटर में यहाँ पर अपन चेंज कर लिया था, एमएम में चेंज किया था, तो 30 हो गया था। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एन इक्वल टू 148 आरपीएम आ जाएगा। अब एन की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, जिस तरह टी जो थ्रेड टाइम रिक्वायर्ड इन थ्रेडिंग के लिए टी इक्वल टू एन इंटू एल प्लस 7 अपॉन n p। 7 आप कंफ्यूज ना, एल प्लस 7 स्टैंडर्ड लेके चल रहा है, 7 क्या हमारा टूल अप्रोच एंड टूल ओवर ट्रेवल है। और टी ये सारी वैल्यू पुट कर दी, उसको हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, तो टी इक्वल टू 0.75 मिनट आंसर आ गया। तो इस तरह ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। जैसे लिखा, पहले मैं न्यूमेरिकल पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग ऑन अ ब्रास रॉड, एक ब्रास रॉड है उस पर थ्रेडिंग करने के लिए टाइम को अपन को कैलकुलेट करना है। ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर, 3 सेंटीमीटर डायमीटर दिए एंड 9.3 सेंटीमीटर लेंथ, और लेंथ दिए 9.3 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग कटिंग स्पीड एज 100 rpm, मतलब 100 rpm दिया, rpm से आप याद रखें ए एन दिया डायरेक्ट, अगर मीटर पर मिनट देता तो समझ जाते आप एस दिया हुआ है, तो ये 100 rpm क्या दिया, एन दिया डायरेक्ट, आरपीएम से आप याद रखें एन दिया है। एंड नंबर ऑफ थ्रेड्स इज, नंबर ऑफ थ्रेड्स दिया है, थ्रेड्स दिया, नंबर ऑफ कट नहीं, याद रखें नंबर ऑफ थ्रेड्स समझे, 3 सेंटीमीटर 3 पर सेंटीमीटर दिया है, 3 पर सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, ये डबल नहीं है, ये तो इसको लिख लें आप या इसको लिख लें, तो मैंने समझाने के लिए दिया 3 पर सेंटीमीटर। आल्सो कंसिडर अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल लेंथ, मतलब अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल लेंथ भी कंसिडर करना है, नंबर ऑफ कट्स 4 दिए। अपन जिस तरह गिवन लिखते, सबसे पहले डायमीटर ऑफ रॉड्स डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको एमएम में चेंज कर लिया, 30 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ यहाँ पर दी हुई है, तो इसको भी एमएम में चेंज कर लिया, तो 93 mm हो गई। अब क्या कटिंग स्पीड दी है, जी एन दिया है 100 rpm, तो इसमें अपन को बार बार निकालना नहीं, एन एक बार में गिवन है, और नंबर ऑफ थ्रेड 3 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये दिया है, और नंबर ऑफ कट्स 4 दिए। अब हम टाइम रिक्वायर्ड हम जानते हैं, एन इक्वल टू एल प्लस 7 अपॉन n इंटू p होता है। 7 क्या है यहाँ पर, टूल अप्रोच एंड टूल ओवर ट्रेवल जो दिया है, इसको हमने 7 कंसीडर कर लिया, तो मतलब यही यही है, इसी की मैं बात कर रहा था, इसको कंसीडर 7 किया हो तो एल प्लस 7 डायरेक्टली एन इंटू पी। अब पी यहाँ पर नहीं दिया आपको, इतने न्यूमेरिकल में पी नहीं दिया, नंबर ऑफ थ्रेड्स दिए, तो हम पी इक्वल टू, हमने फॉर्मूला जानते हैं पी इक्वल टू, जो हमने स्टार्टिंग फॉर्मूला लिखे थे वो आपने लिख लिए होंगे, पी इक्वल टू होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड्स पर mm। लेकिन यहाँ पर किसमें दिया है देखें, 3 पर सेंटीमीटर, तो 3 पर सेंटीमीटर को हमने एमएम में चेंज किया, तो कितना हो जाएगा 0.3 पर mm, क्योंकि सेंटीमीटर हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग देंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो ये इसमें अगर सेंटीमीटर यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे, 3 में उसका 10 का भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.3 पर mm। इस तरह के 0.3 पर mm क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ थ्रेड्स हो जाएगी। तो अब जी हाँ, इस चीज को एक बार याद रखें, 3 पर सेंटीमीटर, 3 पर सेंटीमीटर दिया, इस सेंटीमीटर को हमें एमएम में चेंज करना, 10 से इंटू करते हैं, 10 से इंटू 3 के बटे में होगा, इस सेंटीमीटर को यहाँ 10 से इंटू होगा 3 का, इसलिए इसमें भाग चला जाएगा, 0.3 पर mm हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब पिच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड्स पर mm। अब जी हमने एमएम में चेंज कर लिया इसको, तो यहाँ डायरेक्ट रख देंगे 1 अपॉन 0.3, 0.3 हो गया, और 0.3 का बन भाग देंगे तो 3.34 mm आ जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं, एन एन 4 दिया है यहाँ पर, देख लिए ए वाला दिया हुआ है, एल प्लस 7, एल क्या है जो लेंथ दी है 93 प्लस 7, जो हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड मान रखा टूल अप्रोच एंड टूल ओवर ट्रेवल, पी हमने अभी यहाँ पर निकाला हुआ है, और एन 100 rpm जो ऑलरेडी दिया हुआ है, और इन इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 मिनट आ जाएगा, तो ये टी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, नेक्स्ट टाइप।
हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, देखते हैं क्या लिखा है। एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल थ्रेडिंग ऑन अ माइल्ड स्टील नट्स ऑफ एम 24x2। ये देखें, इसको समझने की कोशिश करें, इससे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, लोग समझते हैं क्या है। क्योंकि आप देखें ये एम, ये स्टैंडर्ड कोड रहता है किसका, थ्रेडिंग का। तो यहाँ पर देखें 24 जो रहता है स्टार्टिंग का पहला, वो डायमीटर रहता है, सेकेंड क्या रहती है, पिच रहती है, डी है ना। तो एम 24x2 मतलब 24 क्या है डायमीटर, 2 क्या है पिच है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखें, एम 24x2, 24 डायमीटर है, 2 क्या है पिच है। जिस तरह कहीं भी लिखा था तो याद रखें, पहले को अपन डायमीटर मानेंगे, दूसरे को पिच मानेंगे। लिखा है एज्यूमिंग कटिंग स्पीड कितना दिया, 10 मीटर पर मिनट। अब यहाँ रखें मीटर पर मिनट दिए, मतलब ये एस दिया हुआ है। लेंथ ऑफ थ्रेडिंग कितनी, 6 सेंटीमीटर दिया है, एंड नंबर ऑफ कट्स 5 दिए। तो सबसे पहले जैसे गिवन लिखते लिखते हैं, डी इक्वल टू 24 कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है एम 24x2 दिया है, स्टैंडर्ड कोड दिया है, तो 24 क्या हो गया डायमीटर, 2 क्या हो गया पिच हो गई। और थ्रेडिंग क्या है, एल इक्वल टू सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया, उसको एमएम में चेंज कर लिया 10 से इंटू करके। इस तरह स्पीड दी है 10 मीटर पर मिनट, यहाँ पर नंबर स्मॉल एन दिया 5। तो थ्रेडिंग टाइम रिक्वायर्ड निकालना है, तो टी का फॉर्मूला जानते हैं, एन इंटू एल प्लस 7/n × p। अपन जब जानते हैं कि एल दिया है, पी दिया है, एन नहीं दिया है, तो हम जानते हैं इस फॉर्मूले से एस दिया हुआ है एस, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, एन निकालेंगे। तो एस इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000 होता है, फिर एन इक्वल टू करेंगे तो एस में 100 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई डी नीचे आ जाएगा। यहाँ पाई डी की वैल्यू यहाँ 24 दिया है, उसको रख लिया, इससे कैलकुलेट किया तो एन इक्वल टू 132 RPM आ गया। अब हमने एन इंटू एल प्लस 7/n × p रखा, तो एल की जो वैल्यू है यहाँ पर 60, उसको रख दिया। 7 स्टैंडर्ड है जो टूल अप्रोच एंड टूल ओवर ट्रेवल होता है, एन 132 है, इंटू पी 2 दिया हुआ है यहाँ पर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो टी इक्वल टू 1.26 मिनट आ जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल भी है, आप वीडियो पूरा देखा करें प्लीज, क्योंकि मैं इसमें 4 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, मैं उस 7 4 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल है। तो लिखा है एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल थ्रेडिंग ऑन अ माइल्ड स्टील स्क्रू, एक स्क्रू है उसके ऊपर हमें थ्रेडिंग करना है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। और क्या दिया, 10 mm डायमीटर दिया एंड 15 mm लेंथ दिए, 10 mm डायमीटर और 15 mm लेंथ दिए। नंबर ऑफ स्टार्टिंग थ्रेड इज 3 दिया, नंबर ऑफ स्टार्टिंग थ्रेड दिया 3 सेंटीमीटर, याद रखें। एंड 2 mm लीड दिया, इसमें लीड दिया है, इसमें पिच की बात नहीं कर रहा, लीड दिया और स्टार्टिंग थ्रेड दिया। एज्यूमिंग कटिंग स्पीड 7 मीटर पर मिनट एंड नंबर ऑफ कट्स 5 दिया। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, डायमीटर ऑफ स्क्रू 10 दिया, लेंथ 15 दिया जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, लेंथ यहाँ पर दी हुई है, एंड लीड दिया है स्मॉल एल से डिनोटेड कर रहे हैं, 2 mm दिया जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, और स्टार्टिंग थ्रेड यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग थ्रेड, देखें इस लाइन को अच्छी तरह देखें, स्टार्टिंग थ्रेड दी हुई यहाँ पर 3, तो स्टार्टिंग थ्रेड 3 लिख दी, नंबर ऑफ कट 5 दिए। अब टी इक्वल टू निकालना है एन इंटू एल अपॉन एन एन प्लस पी, ठीक है, ये मल्टी थ्रेड्स के लिए, इसलिए हमने इसमें टूल अप्रोच और टूल ओवर ट्रेवल की कोई चर्चा भी नहीं की है, चर्चा नहीं की, तो हम कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। चर्चा करें तो कंपलसरी ये कर सकते हैं, प्लस 7 करना है, और नहीं कर रहा तो आप कुछ अपनी मर्जी से भी कॉमन सेंस से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने इसकी इसकी बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं हम, अब क्या निकालना हमें, क्योंकि इसमें एल दिया है, एन नहीं दिया, पी भी नहीं दिया, पी की जगह क्या दिया उसने, लीड दे दिया और स्टार्टिंग थ्रेड दिया। तो हम जानते हैं पिच, पिच कल टू क्या होता है, लीड अगर गिवन है तो लीड अपॉन सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड, जैसे यहाँ लिखा स्टार्टिंग थ्रेड या नंबर ऑफ थ्रेड, तो सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड या नंबर ऑफ थ्रेड कितने दिए, 3 दिया, तो लीड अपॉन सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड। लीड कितनी दी यहाँ पर देखें, 2 दिया हुआ है, या यहाँ पर भी गिवन में लिखा 2, और सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड कितनी दी, स्टार्टिंग थ्रेड 3 दिया है, तो स्टार्टिंग थ्रेड 3 दिया, तो लीड की जगह 2 रख देंगे और स्टार्टिंग थ्रेड की जगह 3 रख देंगे, तो पी इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब हमें क्या निकालना, एन, पी तो निकल आया 2/3, एन निकालना, एन क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000। तो हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू क्या करेंगे, इसका एस में इंटू हो जाएगा अपॉन पाई डी आ जाएगा। इस तरह एस की जगह कितना दिया, 7 मीटर पर मिनट दिया, तो 7 रख दिया, इंटू 1000 अपॉन पाई 10, 10 क्या दिया यहाँ पर डायमीटर दिया है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 223 RPM, ये 223 RPM आ गया। अब हमारे पास एन भी मिल गया, पी भी मिल गया, एल भी मिल गया, स्मॉल एन भी मिल गया, स्मॉल एन 5 दिया है। अब हम डायरेक्ट टी वाले इस फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह अब क्या किया मैंने, इन सारी वैल्यू को मैंने इस फॉर्मूले में, जो इस फॉर्मूले में 5 × 15 लेंथ दी है ए, और 223 जो RPM यहाँ पर निकाला हुआ है, 2/3 क्या दिया यहाँ पर पिच निकाली हुई है अपन ने इस फॉर्मूले, क्योंकि लीड दिया था, स्टार्टिंग थ्रेड थी, तो इस फॉर्मूले में रख के मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि ये 3 नीचे, थर्ड वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाता, तो इसको ऊपर पहुंचा दिया और 223 × 2 यहाँ रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.505 मिनट आएगा आंसर।
तो फ्रेंड्स अगर इस आंसर में थोड़ा सा पीछे वाले डिजिट अगर डिफरेंस आते हैं तो उसमें गलत ना समझे, वो सही होता है। एक कैलकुलेशन कारण एक दो डिजिट गड़बड़, एक दो पॉइंटों का अंतर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये चारों डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल थे रीडिंग के ऊपर। मैं नेक्स्ट जो किसी और ऑपरेशन पर न्यूमेरिकल लाऊंगा, क्योंकि इस टाइप के मैक्सिमम एग्जाम में आपको इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। तो फ्रेंड्स आज थ्रेडिंग जो ऑपरेशन है उस पर टाइम कैसे निकालते हैं ये आज समझ में आया होगा आपको। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।